हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सर, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था कि इनकम के कितने हेड्स होते हैं, यानी कि किस तरह से इनकम इनकम टैक्स के अंदर चार्ज की जाती है। तो उसके अंदर हमने फाइव हेड्स देखे थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये इनकम टैक्स के फाइव हेड्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि हम सैलरी चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आपको आने वाले सभी वीडियोस सैलरी चैप्टर्स के रिलेटेड मिलेंगे। इसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी एक सीरीज चल रही है इनकम इनकम टैक्स डोर्स की। तो इसको आप सिक्वेंस वाइज देखिएगा सर, आप इनकम टैक्स के अंदर एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो आज के वीडियो के अंदर हम सर कवर करते हैं कि जब सैलरी हेड की इनकम कैलकुलेट होती है उस समय सैलरी की इनकम किस तरह से कैलकुलेट होती है, यानी कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी और अदर एडिशन किए जाते हैं। जैसे हम नॉर्मली अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हम क्या मानते हैं कि सर हमारे अकाउंट्स के अंदर जितना भी अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अच्छा सा मैसेज आता है जिससे हमें बहुत खुशी होती है कि सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड 15,000, 20,000, 25,000 एज ए सैलरी, यानी कि सैलरी के रूप में आपका 15,000, 20,000, 25,000 आपके अकाउंट्स में है। सिर्फ क्या वही सैलरी है? बस इतना आप मान लीजिए, सर, जो भी अमाउंट आपके अकाउंट्स में है वो सैलरी है, या फिर सैलरी के अंदर और भी ऐड होते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी के अंदर, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो होता है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि सर अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, आप कोई अच्छी सैलरी पे काम नहीं कर रहा, 15,000, 15 या 20 या 25,000 की आप सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, तो सर आपकी जो भी 15,000, 20,000 जो भी आपकी सैलरी आ रही है वो आपकी बेसिक सैलरी होती है, यानी उसके अंदर और कोई ऐड नहीं होगा, वही बेसिक सैलरी है, वही आपकी सैलरी होगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 के अंदर अलग अलग बाइफर्केट किए हुए हैं, तब आपको कैलकुलेशन करना है कि सैलरी किस तरह से होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है सर हमारा सैलरी। सैलरी के बाद में सेकंड पॉइंट आता है अलाउंसेस। सर अलाउंसेस जो होते हैं वो बेसिक सैलरी के एक्स्ट्रा आपको पे किए जाते हैं, यानी कि कंपनी आपको जैसे डीएनएस अलाउंसेस होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है और बहुत सारे अदर अलाउंसेस होते हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे कि कौन सा अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड होता है, कौन सा अलाउंसेस टैक्सेबल होता है, कौन से पार्शली टैक्सेबल होता है, ये आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिक सैलरी के साथ साथ में कंपनी आपको क्या करती है सर, अलाउंसेस देती है। तो वो जो अलाउंसेस देती है वो भी आपकी सैलरी हेड के अंदर ही कवर किए जाते हैं। इसके बाद सर हम बात करते हैं पेंशन। सर अगर आप रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद में आपको पेंशन आ रही है, तो वो पेंशन के अक्सर किस इनकम के अंदर हेड कवर आएगी सर, वो भी आएगी सैलरी के अंदर। तो सैलरी के अंदर सबसे पहला बेसिक सैलरी, इसके बाद अलाउंसेस, इसके बाद में आती है सर पेंशन। पेंशन का मतलब कमिटेड पेंशन और अनकमिटेड पेंशन, ये दोनों क्या होती है, किस तरह से पेंशन टैक्सेबल होती है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी किस तरह से वो टैक्सेबल होती है, हम देखने वाले हैं। इसके बाद सर हम बात करते हैं ग्रेजुटी। ग्रेजुटी का मतलब होता है सर, सिंपल में आपको एक पॉइंट से अंदर बता दो, अदरवाइज हम तो आने वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में कवर करेंगे उसको। ग्रेजुटी का मतलब होता है सर, अगर आप किसी कंपनी के अंदर लगातार 5 साल तक अगर आप काम करते हैं, तो कंपनी आपको कुछ अमाउंट हर सैलरी में से डिडक्ट करती जाती है और एक साल आपको 5 साल बाद देने वाली है, उसको बोलते हैं ग्रेजुटी। तो ग्रेजुटी भी आपकी एक टैक्सेबल इनकम है, वो भी सैलरी का पार्ट है। इसके बाद सर आते हैं फी शेयर कमीशन। सर अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और कंपनी में आपको कुछ सेल्स करवाया, कुछ भी और करवाया और वहां से आपको कमीशन मिला, तो सर ये कमीशन आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा, ये होगा सर आपकी सैलरी इनकम के अंदर। तो ये भी पार्ट है आपकी सैलरी का। इसके बाद सर हम बात करते हैं फीस एंड कमीशन, डबल हो गया ये। इसके बाद हम बात करते हैं सर एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब ये होता है कि सर आपने जो भी आपकी सैलरी है वो आपने एडवांस में ले ली है। जब आपने कोई सैलरी एडवांस में ले ली है तो वो भी सर आपकी सैलरी इनकम के अंदर होगी। हम यहाँ पर जो बात करते हैं सैलरी किस तरह से कंप्लीट होगी, वो हम आने वाले लेक्चर से बात करेंगे। ड्यू बेसिस और रिसीव, बीच एवर इज अर्ली, या तो आपकी ड्यू होगी ये सैलरी वो, या फिर आपने रिसीव कर ली है, जो पहले होता हो वो आपकी सैलरी के अंदर कवर होगा। एंड लास्ट पॉइंट है सर हमारा लीव सैलरी या लीव इनकेशमेंट। लीव सैलरी का मतलब होता है कि सर आपको हर सैटरडे या संडे ऑफ मिलता है, हर सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है, लेकिन सर आप सैटरडे ऑफ लेना नहीं चाहते, आप चाहते हैं सर घर पे बैठ के क्या करें, चलो कंपनी में जाके कुछ काम करते, कुछ पेंडिंग वर्क सर उसको फिनिश कर लेते। तो सर उस दिन को जो जाते हैं, उस दिन तो आपका ऑफ था, कंपनी की तरफ से आपका ऑफ था, लेकिन आप वहां पर काम करने के लिए जा रहे हैं,
कंपनी क्या करती है, आपको एक्स्ट्रा पे करती है। तो जो आपको एक्स्ट्रा पे करती है, जिसको बोलते हैं लीव सैलरी या फिर लीव इन्केसमेंट, ये भी आपकी सैलरी का पार्ट है। तो सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या होगा सर, सिंपल बेसिक सैलरी होगी, साथ में आपके जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, चाहे वो टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे, पार्शियली टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस होंगे, जो हम देखेंगे। इसके बाद सर आपकी पेंशन होगी, पेंशन दो टाइप्स की होती है, कमिटेड पेंशन और अनकमिटेड पेंशन। ग्रेजुटी, ग्रेजुटी किस तरह से टैक्सेबल होता है, किस तरह से एग्जेम्प्टेड होता है, कितना डिडक्शन मिलता है, ये हम कवर करेंगे। सर फीस एंड कमीशन दैट इज द फुली टैक्सेबल। एंड एडवांस सैलरी, सर अगर आपको कोई एडवांस, अगर आपने सैलरी ले ली है तो वो इस साल की आपकी इनकम के अंदर आएगी, लेकिन जब वो ड्यू होगी तब वो कैलकुलेट उसकी टैक्सेबल इनकम के अंदर कवर नहीं होगी, जो हम आने वाले लेक्चर में डिटेल्स में कवर करेंगे। और लीव सैलरी या फिर लीव इन्वेस्टमेंट, तो ये जो पार्ट्स है ये सब सैलरी के पार्ट हैं। तो आपको जब भी सैलरी इनकम कैलकुलेट करें आपको इन सभी पार्ट्स को कवर करना है। तो सर ये हम बात कर रहे थे सैलरी के अंदर क्या क्या एड होता है। आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल्स में हर चीज को कवर करने वाले हैं। तो सर इनकम टैक्स हमारी सीरीज चल रही है अभी, अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको अच्छे नहीं लगता है या फिर ऐसा लगता है कि ये हमारे नॉलेज के लिए सही नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए। अगर आपको लगता है तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपको सही तरह से गाइड करने में। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।